वेलकम टू सी पी प्लस वीडियो ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम आपको सी पी प्लस ईजी कैम इंस्टॉल करना बताएंगे। सी पी प्लस ईजी कैम एक वाईफाई क्लाउड कैमरा है जिसे आप आसानी से अपने स्मार्टफोन पर कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी इस कैमरे की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और प्लेबैक कर सकते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक HD कैमरा है जो आपको हाई क्वालिटी इमेज देता है। इसमें रिकॉर्डिंग के लिए 128 GB तक का आप SD कार्ड लगा सकते हैं जिसमें आसानी से 6 से 7 दिन की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें 2-way टॉक के लिए इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर दिया गया है। मोशन बेस्ड नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं अपने स्मार्टफोन पे। अगर कैमरे के सामने कोई भी मोशन होता है तो आपके स्मार्टफोन पे उसके लिए नोटिफिकेशन आता है। ये इसके कुछ मेन फीचर्स थे। आइए अब हम देखते हैं कैसे ईजी कैम कैमरा को स्मार्टफोन में कन्फिगर किया जाता है। ईजी कैम कैमराज में 2 variants अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज फिक्स कैमरा एंड द सेकेंड वन इज PT कैमरा। PT कैमरा को हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। ईजी कैम कैमराज को कन्फिगर करने के लिए वाईफाई एक्सेस पॉइंट होना ज़रूरी है, जो कुछ इस तरीके से रहता है। आजकल हर घरों में आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होता है। हमारे पास वाईफाई एक्सेस पॉइंट होता है जिसमें इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल रहता है। वो होना हमारे पास ज़रूरी है अगर हमें ईजी कैम कैमराज को ओवर द इंटरनेट कन्फिगर करना है। सबसे पहले इस कैमरा को हम पावर ऑन करते हैं। कैमरे के साथ ही आपको पावर अडेप्टर मिलता है। इसे हम पावर सोर्स से कनेक्ट करके कैमरे में कनेक्ट करते हैं। कैमरा को पावर अडेप्टर के साथ कनेक्ट करने के कुछ ही सेकंड बाद कैमरा मूवमेंट करने लगता है, जिसे पता लगता है कैमरा स्टार्ट हो चुका है और कुछ इस तरीके से हमें मैसेज मिलता है कैमरे से। देन कैमरा जब पावर ऑन हो जाता है उसके बाद हमें स्मार्टफोन में मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी होती है। सो इस कैमरा के लिए जो मोबाइल ऐप है दैट इज ईजी कैम, जिसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बॉक्स में दिए हुए QR कोड को स्कैन करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे आईफोन और एंड्रॉयड दोनों ही वर्जन के लिए यहाँ पर QR कोड दिया है, जिसे आप अपने मोबाइल फोन के QR कोड स्कैनर से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे ये आपको डायरेक्ट उस लिंक में ले जाएगा जहाँ से आप ईजी कैम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर ले गया। यहाँ पर से आप ईजी कैम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, देन ये डाउनलोडिंग प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम ओपन टैब में क्लिक करेंगे। ईजी कैम होम स्क्रीन के बाद आपको लॉगिन स्क्रीन मिलेगी। जो यूज़र फर्स्ट टाइम इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उन्हें पहले साइनअप करना होगा। साइनअप एक सिंपल यूज़र रजिस्ट्रेशन 1-time प्रोसेस है, जिसमें हमें ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। देन एग्रीमेंट को हमें ओके करना होगा और हम साइनअप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक सक्सेसफुल यूज़र रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा एंड देन उस मेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर एक मेल आईडी और पासवर्ड उसका है, सो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा इस ऐप में। यहाँ पर हम स्टे साइंड इन और रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको बार बार साइन इन करने की ज़रूरत ना पड़े। सो एक बार अगर आप साइन इन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक वेलकम विजार्ड आता है, जिसे हम फॉलो करके इजीली अपने कैमरास को इस ऐप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैमरा सेलेक्ट करेंगे, जो भी कैमरा आपके पास है उस कैमरे को आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर से मोड चूज़ करना है, जिस मोड से आप कैमरे को कनेक्ट करना चाहते हैं। राइट नाउ हम वायरलेस मोड से कैमरे को कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हमें मेक श्योर करना है कि कैमरे को हमारी प्रॉपर पावर मिल रही है। यहाँ पर हमें ये भी कंफर्म करना होगा कि हमारा स्मार्टफोन हमारे जो होम वाईफाई है उससे कनेक्टेड है। सो राइट नाउ हमारा CP प्लस वाईफाई से ये कनेक्टेड है स्मार्टफोन। देन हमें यहाँ पर QR कोड स्कैन करना होगा कैमरे का, जिस कैमरे को आप इस ऐप में ऐड करना चाहते हैं। सो राइट नाउ मेरे पास एक कैमरा है जिसका मैं QR कोड स्कैन करूँगा। यहाँ पर कुछ भी आप नेम डाल सकते हैं। देन पासवर्ड आप कैमरे के बैक साइड पे देखेंगे तो कैमरे के बैक साइड पे यहाँ पर पासवर्ड ऑलरेडी है एडमिन, ये बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। आप यहाँ पर नेक्स्ट
पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर वाईफाई डिटेल्स डालनी है। अभी जो मेरा स्मार्टफोन है वो सी पी प्लस वाईफाई से कनेक्टेड है, इसलिए सी पी प्लस वाईफाई, और ये पासवर्ड है हमारे सी पी प्लस वाईफाई एक्सेस पॉइंट का। ये डिटेल आपके कैमरा में लोड होंगी, आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट करना होगा। इस तरीके का मैसेज आपको कैमरे से मिलेगा। ये कैमरा हमारा आप सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस ऑनलाइन आ रहा है और आप अपने कैमरे को अपने मोबाइल में व्यू कर सकते हैं। सो दिस वॉज द सिंपल स्टेप्स टू कन्फिगर इजी कैमरा ऑन इजी कैम ऐप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।